हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंडिगो एयरलाइंस के अगस्त मंथ के कैबिन क्रू वैकेंसीज, यानी कि इंडिगो एयरलाइंस कौन कौन से सिटीज में अगस्त 2024 में कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। इसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे रेगुलरली मोस्टली पूछे जाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, इन द होप कि अगली बार जब ये वीडियो मैं पोस्ट करने वाली हूँ तब ये सारे सवाल के जवाब तो मुझे नहीं देने पड़ेंगे, बिकॉज ये सारे सवाल सेम सवाल है एंड सेम चीज हर महीने मैं लिखती रहती हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखती रहती हूँ। तो आई होप कि इस बार मुझे ये सारे सवाल से रिलेटेड कम कमेंट्स आएंगे। बाकी नए सवाल लाओ, बाकी नए डाउट्स लेके आओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा उसको रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहले हम सवालों की बात कर लेते हैं। ठीक है, एज क्राइटेरिया का मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि मैं 17 इयर्स हूँ, 17 एंड हाफ हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। मुझे बस आपको ये चीज बोलनी है कि अगर एक महीना इधर उधर होता है 18 इयर्स होने के लिए, तो आप फिर भी अगर अप्लाई करते हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अगर है ऑलरेडी, फिर भी आप अप्लाई करते हो तो समवेयर इट इज स्टिल ओके, बिकॉज जो प्रोसेस है पूरा इंटरव्यू का, सिलेक्शन का, सारी चीजें, उतना टाइम लग जाता है, कभी कभी 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं। तो अगर आप यू नो ऑलमोस्ट 18 हो, तो फिर भी अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो फिर भी आप चांस ले सकते हो अप्लाई करने का। लेकिन अगर आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स भी, आप खुद भी एज क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो, तो प्लीज अप्लाई मत करो, वेट, बड़े हो जाओ, 18 ईयर्स ओल्ड हो जाओ, उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है, नेक्स्ट चीज मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, 155 सेंटीमीटर्स हाइट नहीं है, 154 है, 154.5 है, हमारा ड्रीम है और ये सारी चीजें। प्लीज एक चीज को समझो, इट इज नॉट अबाउट हाउ यू लुक, इट इज नॉट अबाउट हाउ टॉल यू आर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस जॉब से रिलेटेड, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। ठीक है, हो सकता है कुछ इमरजेंसी इक्विपमेंट्स कहीं कहीं ऊपर रखे होंगे एंड यू शुड बी एबल टू रीच। आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक सेफ्टी पर्सनल होते हो, उसके बाद ये सर्विस और ये सारी चीजें बाद में आती है। ठीक है, तो उसके नजरिए से आप देखने की, समझने की कोशिश करो। इसीलिए एक क्राइटेरिया सेट किया गया है किसी भी एयरलाइन में। ठीक है, कुछ एयरलाइंस में हाइट क्राइटेरिया अगर ज्यादा है तो हो सकता है उनके इक्विपमेंट्स कहीं और रखे होंगे, तो ऐसे सब कुछ कुछ रीजंस है, उसके वजह से उनके एक क्राइटेरिया है। ठीक है, प्लीज उसको समझने की कोशिश करो। अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो तो कोशिश करो, अगर हाइट बढ़ती है तो ठीक है, नहीं तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है, प्लीज एक्सेप्ट करो। बहुत सारे दूसरे फील्ड्स है, बहुत सारे दूसरे जॉब्स है, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एक क्राइटेरिया है एक एयरलाइन का या किसी भी एयरलाइन का, वो फुलफिल करना जरूरी है फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से आप मत देखो। ठीक है, सेम चीज गोज फॉर वेट। BMI का एक रेंज स्पेसिफाई किया गया है 18-22 फॉर फीमेल्स, एक रीजन है उसके पीछे भी, यू नीड टू बी फिजिकली मेंटली इन एवरी वे फिट टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस जॉब। ठीक है, तो आप ऐसे ही अगर बोलोगे कि नहीं मैं BMI मेरा 23 है, क्या मैं बन सकती हूँ, मैं कौन होती हूँ आपको इस चीज का जवाब देने के लिए, मेरी एयरलाइन नहीं है, प्लीज समझो ये चीज, कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ रीजंस है उसके, इसीलिए उनके सेट क्राइटेरियाज है एंड उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका वेट ज्यादा है, आप क्राइटेरिया BMI रेंज में नहीं फॉल कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन है, आप वेट को कम कर सकते हो, कम करो फिर जाओ। अगर आपका BMI रेंज से कम है, 18 से कम है, तो वेट बढ़ाओ और फिर जाओ। क्यों आपको कोई भी रीजन रखना है, कोई भी कमी रखनी अपने अंदर बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू? प्लीज ये सारी चीजों को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचो। इट इज नॉट अबाउट कि एक नौकरी मिल गई आपको, नौकरी मिलने के बाद क्या, यू हैव टू कैरी आउट दैट जॉब प्रॉपरली, करेक्ट? बहुत सारी चीजें हैं जो बैकड्रॉप में है जो आपको नहीं समझ में आएगी, बिकॉज आपको सिर्फ आगे का पिक्चर दिख रहा है। जो लोग जॉब करते हैं, बहुत मुश्किल जॉब है, इतना आसान जॉब नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं आपके ऊपर, तो ये सारी तो बहुत बेसिक क्राइटेरियाज है। एज अ बिगिनर अगर ये सारी चीजें आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो आगे जाके कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे आपके ऊपर, तो अपने आप पे वर्क करो उस चीज पे एंड देन अप्लाई। एंड एक और एक चीज जो है वो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड।
मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, क्या मैं जा सकती हूँ? प्लीज समझो इस चीज को, पैन कार्ड नहीं होगा तो सैलरी कैसे आएगी? आधार कार्ड इज मैंडेटरी, हर एक जगह पे आधार कार्ड मैंडेटरी है इंडिया में, तो आप कैसे नहीं हो सकता आपके पास? और आप जाओगे और वो आपको रिजेक्ट करेंगे? आप खुद सोचो, एक कैबिन क्रू की जॉब में अगर एयरलाइन इंटरनेशनल फ्लाई कर रही है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, आपको लगता है कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको आगे तक सेलेक्ट कर दिया जाएगा? कैसे सेलेक्ट कर दिया जाएगा? थोड़ी चीजें खुद भी सोचो लॉजिकली। आप उसके बगैर जा रहे हो, आपका सिलेक्शन हो गया, लेट्स से आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो एंड पासपोर्ट कोई भी रीजन की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको एयरलाइन आपको लगता है जॉब देगी? आप खुद सोचो, आपकी जो मेहनत होगी, इतने राउंड्स आपने क्लियर किए, इतनी सारी चीजें आपने की, एंड लास्ट में जाके अगर एयरलाइन आपको रिजेक्ट कर देती है तो क्या करोगे आप उसके बाद? आपको डिसहार्टेंड फील नहीं होगा? डिमोटिवेटेड फील नहीं होगा? इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले इकट्ठे करो, सारी चीजें जो लिखी है डॉक्यूमेंट सेक्शन में वो सारे इकट्ठे करो, फिर जाओ इंटरव्यू के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीजों की वजह से आपको टेंशन ही नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ आप कैसे परफॉर्म करते हो उस चीज का आपको प्रेपरेशन करना है। ये सारी चीजें अगर आप बिफोर हैंड में क्लियर करते हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। आई होप ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे और कॉमेंट्स नहीं आएंगे, बट डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर। अगर फिर से भी अगर इसका जवाब आपको लिखित में भी चाहिए होगा तो मैं दूंगी, बट इट इज जस्ट फॉर मी टू टेल यू दैट टेक कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हेन यू आर वॉचिंग अ वीडियो, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी जॉब, ठीक है? अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। सबसे पहली चीज, अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आप एलिजिबल है ही। ये सारे वैकेंसी सिर्फ फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स के लिए है, बिकॉज इंडिगो मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स को हायर नहीं करता है, ठीक है? एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ ये डिस्कस करने के पहले, आपको स्क्रीन पे लोकेशन, टाइम, वेन्यू सारी चीजें दिख रही होगी, लेकिन इंडिगो के ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे हमेशा जाकर क्रॉस चेक करें, हमेशा जाके क्रॉस वेरीफाई करें। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है, रीस्केड्यूल हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, बहुत सारे रीजंस है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है कभी ना कभी, ऑब्वियसली वेदर कंडीशंस भी हो सकते हैं। लास्ट महीने भी हमने देखा था इम्फाल में कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस। तो ये सारी चीजें आप क्रॉस चेक करो जस्ट टू सेव योर टाइम, ठीक है? आप पहुंच जाओगे इंटरव्यू के वेन्यू पे एंड अगर उस दिन कैंसिल हुआ हुआ रहेगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा उधर तक जाने के लिए, करेक्ट? तो ये सारी चीजें माइंड में रखना, क्रॉस चेक करना इंटरव्यू के एक या दो दिन पहले, दूसरे लोगों को अगर आप जानते हो उनसे भी क्रॉस चेक करो, एंड देन बी श्योर। ऑफिशियल करियर्स वेब पेज का जो लिंक है वो भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से बार बार जाके क्लिक करके चेक करते रहना एंड देन अपियर फॉर इट, ठीक है? 1 अगस्त को है हैदराबाद में, 2 अगस्त को है चंडीगढ़ एंड जयपुर में, 3 को है गुरुग्राम में, 6 को है, आई एम सॉरी, 5 को है देहरादून में, 6 को है बेंगलुरु में, 7 को है न्यू दिल्ली में एंड कोलकाता में, 8 को है मुंबई में एंड पुणे में, 9 अगस्त को है बागडोगरा में, 10 अगस्त को है दिल्ली में, 12 अगस्त को है लखनऊ में, 13 अगस्त को है हैदराबाद में एंड दिल्ली में, 14 अगस्त को है मुंबई में एंड जयपुर में, 16 अगस्त को है गुवाहाटी में एंड भोपाल में, 17 अगस्त को है दिल्ली में, 19 अगस्त को है देहरादून में, 20 अगस्त को है बेंगलुरु में एंड बागडोगरा में, 21 अगस्त को है दिल्ली में कैलमपोंग में, 22 अगस्त को है पुणे में एंड मुंबई में, 23 अगस्त को है चंडीगढ़ में, 24 अगस्त को है दिल्ली में, 26 अगस्त को है गुवाहाटी में एंड इम्फाल में, 27 अगस्त को है इम्फाल में फिर से, 28 अगस्त को है न्यू दिल्ली में, 29 अगस्त को है मुंबई, हैदराबाद एंड एर्नाकुलम में, 30 अगस्त को है लखनऊ में, 31 अगस्त को है कोलकाता में।
तो एज ऑफ नाउ ये सारी जगहों पे इंटरव्यू स्केड्यूल्ड है, पोस्टेड है उनके ऑफिशियल वेब पेज पे, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। चेंजेस भी हो सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला, तो क्रॉस चेक बार बार करते रहिए, इंटरव्यू के एक दिन पहले तक चेक करते रहिए, जस्ट टू बी श्योर दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू इंटरव्यू रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड बाय।